हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके बीच में बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। यानी आज का क्लास आपके बीच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर एक एग्जाम में यहाँ से लगभग 4 या 5 प्रश्न जीके का देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ करता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस किस देश के साथ होता है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास होता है। यहाँ पे जापान के पूछा जाएगा तो धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास होता है भारत और जापान के साथ होता है दोस्तों। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कहा जाएगा, युद्ध अभ्यास तो भारत और अमेरिका के साथ होता है। बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? बंगो सागर जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। तो ये रहा दोस्तों आपकी युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, ट्यूलिप पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ट्यूलिप पर्व पूछा जा रहा है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है ट्यूलिप पर्व। माघ बिंदु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो माघ बिहू जो होता है महोत्सव दोस्तों, वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो फेमस एक युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। भारत और जापान के बीच देखने को मिलता है। दोहरी नागरिकता किस देश में है? तो खास तौर से फेमस दो तो देश है आयरलैंड और अमेरिका, इन दोनों देशों के पास दोहरी नागरिकता है। और यही आपके ऑप्शन में भी रहेंगे अमेरिका और आयरलैंड। अमेरिका और आयरलैंड इन दोनों देशों के पास आपकी दोहरी नागरिकता है। करा कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो पहले मूल अधिकार 7 थे, अब वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार हो चुके हैं। तो वर्तमान में मूल अधिकार यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पहले जो थे 7 थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हो जाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 32 यह बतलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे माना गया है, या हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे। तो यह हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से अनुच्छेद 32 जाना जाता है। और यह 5 प्रकार का, सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत 5 प्रकार का रिट जारी भी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति का था तो 52, यहां उपराष्ट्रपति पूछा है दोस्तों, तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा इसका आंसर 63। आपातकाल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वैसे सूचियों का जो विषय है, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि पहले अनुसूची 8 थी। तो 7वीं अनुसूची में आपातकाल की अनुसूची का वर्णन है दोस्तों, और भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान कुल कितने देशों से लिया गया? यह सवाल ऑप्शन के अनुसार मारा जाएगा। यदि ऑप्शन में 10 है तो 10 मारेंगे, यदि 11 है तो 11 ठीक करेंगे दोस्तों। वैसे फिलहाल में 11, यदि दोनों दिया रहेगा तो 11 देशों से, नहीं रहेगा दोस्तों तो आप मारेंगे 10 देशों से। भारत का संविधान 10 देशों से
मिलकर बना जाए 11। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में पहले विषय 47 थे, अब वर्तमान में 52 विषय हैं, तो हो जाएगा दोस्तों 52 विषय। नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो रेलवे होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत रेलवे आपकी आता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो यहां पर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी, और यह रावी नदी के तट पर और जवाहरलाल नेहरू और इसी में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, WTO का मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है दोस्तों, और यह स्विट्जरलैंड का शहर है। MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग है दोस्तों, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। रिसोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? तो जो नो स्पिन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वार्न, और इनका निधन हो गया दोस्तों। शेन वार्न की आत्मकथा का नाम नो स्पिन है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी में किसकी मूर्ति व कहां लगी है? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य और हैदराबाद में इनकी मूर्ति लगी है दोस्तों। ये किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, और ये मूर्ति कहां पे है? तो हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी यहां पे स्थित है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी किस जगह स्थित है? लता मंगेशकर संगीत अकादमी मध्य प्रदेश में स्थित है। लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से फ्रांस ने किसे नवाजा? सन 2022 में लता मंगेशकर को नवाजा था, और 2023 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया। 2022 में लता मंगेशकर। और 2023 में का पूछा जाएगा दोस्तों तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लीजन आनर पुरस्कार फ्रांस से नवाजा गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह थे। ज्ञानी जैन सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। पहली बार निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी, और भारत का पहला यदि राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार बने थे, बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। G7 में कुल कितने व कौन कौन से देश हैं? तो G7 में कुल 7 देश हैं, और इसका ट्रिक हो जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरी ग
गर्लफ्रेंड यानी जीएफ का जूस, इन सात देशों में G7 बनाया गया है। जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। इन सात देशों को मिलाकर G7 बनाया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है G7 का ग्रुप ऑफ 7। दोस्तों नवीनतम रेल जोन कौन सा है? तो नवीनतम रेल जोन आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम दक्षिणी रेल जोन। ताजमहल की फुहड़ नकल किस इमारत को कहा जाता? तो ताजमहल की फुहड़ नकल जो होता है दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा को ताजमहल का फुहड़ नकल भी कहा जाता और यह औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पहले समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये गोवा में सबसे पहले समान सिविल संहिता लागू हुआ था और समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता आता है और समान सिविल संहिता सबसे पहले लागू करने वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट देखिएगा, नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो नवीनतम नेशनल पार्क पूछा गया, ऑप्शन ए हेमिस नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया नवीनतम नेशनल पार्क कौन है, तो नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क है और ये दोस्तों असम में है। हेमिस वाला भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह लद्दाख में है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है जहां से 8 चीते नामीबिया में मांगा कर रखे गए थे, यहीं रखे गए थे कूनो वाले में। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? एक आगरा का लाल किला होगा जो अस प्रारंभ होगा, उसको अकबर बनवाया और ये दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दो प्रश्न इसमें कंफ्यूजन डालेंगे आपका, एक आगरा का ताजमहल होगा, आगरा का ताजमहल यह आया है तो अस अकबर बनवाया और वो दिल्ली का लाल किला है उसको शाहजहां ने बनवाया। गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा का जो तट होता है दोस्तों कोकड़ के नाम से जाना जाता है, कोकड़ तट के नाम से गोवा के तट को नाम जाना जाता है। डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल। एशियान का मुख्यालय कहां है? तो जाकार्ता है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, इंडोनेशिया। और इसमें वर्तमान में कुल 11 देश हैं और इसकी स्थापना इंडोनेशिया, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और कुल इसमें 11 देश हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने? तो मध्य प्रदेश के नए सीएम जो हैं दोस्तों मोहन यादव। और एक राजस्थान के पूछेंगे तो भजनलाल शर्मा, राजस्थान के सीएम कौन है? तो भजनलाल शर्मा जी मारेंगे आप, भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। नेक्स्ट देखिएगा, सीबीएसई के हेड कौन है? तो वर्तमान में सीबीएसई के हेड विनीत जोशी हैं, विनीत जोशी जो हैं सीबीएसई के वर्तमान हेड अध्यक्ष है। महलों का शहर किसको को कहा जाता है? तो महलों का जो शहर है कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के जो वर्तमान सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति जी फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो प्रथम मुख्य चुनाव जो पूछा जाएगा तो सुकुमार सेन, और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो राजीव कुमार। लेकिन इसमें महिला पूछा गया है दोस्तों, प्रथम मुख्य चुनाव प्रथम महिला अध्यक्ष तो बीएस रमा देवी, बीएस रमा देवी आपके पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्र जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्र। और अध्यक्ष कहता है यहां पर उपाध्यक्ष की जगह दोस्तों अध्यक्ष, तो आपका हो जाता मनोज पांडे हो जाता। राष्ट्रपति का आवास किस पहाड़ी पर स्थित है, तो राष्ट्रपति का आवास रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है फायर बोल्ट के ब्रांड अम्बेसडर कौन बने, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी सलमान खान। तो फायर बोल्ट के जो ब्रांड अम्बेसडर है वो विराट कोहली, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला दिया है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यहां प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछता तो राकेश शर्मा जी, यदि प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा जाएगा तो गागरिन यूरी गागरिन हो जाएगा दोस्तों, रूस के रहने वाले थे यूरी गागरिन, और ये कहां के रहने वाले थे तो रूस के, और भारतीय यहां पे लगा देगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो ये आपका आंसर राकेश शर्मा हो जाएगा। वर्तमान में जापान के पीएम कौन थे, तो फुमियो किशिदो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, फुमियो किशिदो। संसद किस देश से लिया गया है, तो संसद जो है आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान के संसद का नाम है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, पूछा है रूस की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, और इसकी राजधानी दोस्तों, इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रौप पर्व किस राज्य का पर्व है, तो रौप जो पर्व है और ट्यूलिप पर्व है ये दोनों आपका जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ कौन बने, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो नए सीईओ हैं सत्य नडेला जी हैं दोस्तों, सत्य नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ हैं। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मामा भांजा मंदिर वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और एक प्रश्न कहता दोस्तों सास बहु मंदिर कहां पे स्थित है, तो आपका राजस्थान हो जाता, सास बहु मंदिर, तो आपका आंसर हो जाता राजस्थान। मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़, सास बहु मंदिर आपका राजस्थान। डाउंस किस देश का घास का मैदान है, तो डाउंस जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउंस कहा जाता। और पंपास पूछता तो अर्जेंटीना हो जाता। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से चीते लाए गए थे, नामीबिया देश से 8 चीते कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे, और कोनो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नामीबिया। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रथम राष्ट्रपति महिला पूछता प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपका श्रीपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लेकिन यहां पे आदिवासी लगा दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी।
अम्मा बहिनी योजना किस राज्य में लागू है? तो अम्मा बहिनी योजना आपका सिक्किम राज्य में लागू है। सिक्किम राज्य में अम्मा बहिनी योजना लागू है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी मंगलयान, ऑप्शन डी हम्पी का रथ मंदिर। तो 50 रुपए का जो नोट है दोस्तों, वो हम्पी का रथ मंदिर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे सूर्य मंदिर आया दोस्तों, तो 10 रुपया का मंदिर है, 10 रुपए के नोट पर आपका सूर्य मंदिर है। लाल किला आपके 500 रुपया के नोट पर स्थित है। मंगलयान कहा जाएगा दोस्तों, तो 2000 रुपए की नोट पर मंगलयान का चित्र स्थित है, और हम्पी का रथ जो मंदिर है वो 50 रुपए के नोट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे लंबी झील कौन सी झील है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, और यह केरल राज्य में स्थित है, और इसी झील में नौकायन प्रतियोगिता कराया जाता है, और विजेता को नेहरू ट्रॉफी भी दी जाती है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील और यह केरल में है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा जो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है दोस्तों, तो यह 13 फरवरी को, और यह सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है, सरोजनी नायडू। पुलिकट यह पर रहेगा, पुलिकट, पुलिकट झील किस राज्य में है? तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह मारे में, प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील स्थित है दोस्तों। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, अरब सागर की रानी आपकी कोच्चि। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, और कैबिनेट मिशन एक आएगा, तो वो आपका हो जाएगा आंसर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? काकबरोस, काकबरोस त्रिपुरा की राजभाषा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और गांधी जी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, और जिसमें करो या मरो का भी नारा दिए थे। तो कांग्रेस की तरफ से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना, इसका नया नाम पीएम पोषण योजना रख दिया गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? रानिले विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, रानिले विक्रमसिंघे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो संस्थापक था दास वंश का, उसी ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। नेक्स्ट देखिएगा,